अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 15 अगस्त को क्या है, तो आप सभी लोग बोलेंगे कि नहीं जानता क्या। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, इस दिन को हम आज़ादी के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, आप लोग इस पर क्या कहेंगे? तो ये सच है, जिस 15 अगस्त को हम आज़ादी के दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम ये मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत के किसी भी डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, बल्कि आपको जो दिल्ली में डॉक्यूमेंट है उसमें यह लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था। और क्या आप 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी का जो कड़वा सच है उसके बारे में जानते हैं? तो सुनिए, जब 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब पंजाब से और बंगाल से 21 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी, और वो भी ये सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से। अगर इसको छोड़ दे तो न जाने अनेकों कितनी और हत्याएं हुई थी। और ये हत्याएं क्यों हुई थी? क्योंकि 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब भारत के नक्शे को उठाकर एक लाइन पंजाब से और एक लाइन बंगाल से खींच दी गई, और ऐसी हो गया भारत का बंटवारा। इसी कारण इतने सारे कत्लेआम हुए थे। तो आप देख लीजिए, भारत जो इतना बड़ा देश है उसके नक्शे को उठाकर पंजाब और बंगाल से एक एक लाइन खींच के ऐसी बंटवारा कर दिया जाएगा। इसी कारण इतने सारे 21 लाख से भी अधिक आम लोगों का हत्याएं हुई थी। जबकि महात्मा गांधी ने यह कहा था कि बंटवारा मेरे लाश पर होगा, और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में महात्मा गांधी उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं रोका? उन्होंने तब धरना क्यों नहीं दिया? जबकि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के लिए धरना दिया था, जबकि उन्होंने अम्बेडकर के एक बात को वापस लेने के लिए धरना दिया था। तो गांधी ने आखिर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को क्यों नहीं रोका, जबकि वो ऐसा कर सकते थे? जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात आई, तब अंग्रेज़ों ने भारत के नक्शे को उठाकर एक लाइन बंगाल से और एक लाइन पंजाब से खींच दिया। तो ये जो अखंड भारत था, इसका बंटवारा देखिए एक लाइन से ही कर दिया गया। यही वो कारण था जिसके कारण पंजाब के पास पूर्वी पाकिस्तान और बंगाल के पास पश्चिमी पाकिस्तान बना। और 1947 में ही जब भारत और पाकिस्तान का अच्छे से बंटवारा तक नहीं हुआ था, उसी समय से हत्याएँ शुरू हो गई। लेकिन 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हम आज़ादी का दिवस मनाते हैं, अगर लोगों को यह कह दिया जाए कि उस दिन तो 21 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी, तो लोगों को उस पर क्या रिएक्शन और क्या प्रतिक्रिया होगी? जिस भारत की सीमाओं को प्राचीन काल से अटक से कटक तक माना गया है, उसको ये अंग्रेज केवल भारत के नक्शे पर एक पेन चलाकर भारत का बंटवारा कर देते हैं। तो इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? तो आप इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों? आप अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इस बारे में जानते थे।